नमस्कार। बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां एक तरफ एनडीए के अंदर खटपट की तस्वीर सामने आ रही है, आपस में ही पार्टियों के अनबन की तस्वीरें सामने आ रही है, तो इसको लेकर के अब विपक्षी दल भी निशाना साधने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। आपको वो समय याद होगा जब तेजस्वी यादव जो है वो सरकार से कई बड़े और महत्वपूर्ण सवाल पूछते हुए सरकार के तमाम अग्निपथ योजना के खिलाफ अपने बगावती तेवर को अपना लिया था। उन्होंने कई मायनों में कई बड़े और महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे, जिनमें से मुख्य रूप से सवाल इस बात को लेकर के था कि आखिरकार अग्निपथ योजना जो है वो क्यों चलाई जा रही है। लेकिन अग्निपथ योजना से और युवा बेरोजगार होंगे, भ्रष्टाचार के शिकार होंगे। इन सभी बातों को जब कहा गया, लेकिन उसके बावजूद भी समय के साथ नीतीश कुमार ने अग्निपथ योजना से अपनी दूरियों को बढ़ा लिया। नीतीश कुमार को भली भांति यह लगता था कि इससे दूरियों को बढ़ाना ही उचित होगा, इसीलिए वह सदन की कार्रवाई में कभी भी नजर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के सामने घिरती हुई नजर आई और विपक्ष लगातार इन बातों और इन मुद्दों को लेकर के सरकार पर निशाना साधने की तैयारी करता हुआ नजर आया। दोस्तों, एक और इनसाइड स्टोरी बिहार की राजनीति में चल रही है। इनसाइड स्टोरी ये है कि नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी भाजपा से अनबन के बाद में नीतीश कुमार ने आरजेडी से हाथ मिला करके बिहार में सरकार स्थापित किया था। जब डिप्टी सीएम के पद और कुर्सी को संभालते हुए तेजस्वी यादव नजर आए थे, स्वास्थ्य मंत्रालय की कुर्सी को संभालते हुए जी हाँ तेज प्रताप यादव नजर आए थे, और इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे। लेकिन दोस्तों, चाहे जो कुछ भी हो, नीतीश कुमार लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।